तो ये स्टोरी स्टार्ट हुई थी 3 साल पहले? 2 साल पहले। ओके, 2 साल पहले। सो 2 साल पहले मैं भोपाल गई थी मेरे रिलेटिव से मिलने के लिए, एंड कोइंसिडेंटली मैं रजत के घर पहुंच गई, वो उनके नेबर थे, एंड मैं रजत की मॉम से मिली। और उसके बाद लाइक फॉर 2 ईयर्स हम दोनों ने लाइफ पार्टनर सर्च किया। मैं फिर लंदन चली गई फॉर 6 मंथ। तब सुरभि को लगता था इंजीनियर से शादी करना हानिकारक हो सकता है और रजत को नहीं पता था सीए क्या होते हैं, मेरा सीए कोई का प्रोफेशन क्या होता है। तो देन आई वेंट टू लंदन, फिर 6 मंथ्स थी वहाँ पे, फेब एंड में मैं वापस आई। मार्च में रजत मुंबई आए अपनी सिस्टर से मिलने के लिए, वो अपनी सिस्टर को सरप्राइज करने आए थे और मैंने उनसे मिलकर उनको सरप्राइज कर दिया। मेरी हम दोनों की मॉम ने प्लान किया कि हमारी मीटिंग रखते हैं। रजत रात पर सोए नहीं थे, नींद में आए थे, पता नहीं उन्होंने मुझे देखा था या नहीं देखा, आई डोंट नो। थोड़ी देर हमने बात की, कॉफ़ी पी, हमने बहुत सारा स्टारबक्स पे टाइम स्पेंड किया। फिर रजत बैंगलोर चले गए, फिर वापस वीकेंड पे आए, फिर हम वापस स्टारबक्स गए। मुझे स्टारबक्स जाना बिल्कुल पसंद नहीं है लेकिन फिर भी मैं गई रजत के साथ बहुत सारी कॉफ़ी पी हमने, बॉलिंग करी। हाँ, बॉलिंग करी, फिर लॉरी जैसी घटिया मूवी देखी जिसमें हम फर्स्ट हाफ में उठ के आ गए और बस खाया, फिर स्टारबक्स आए। हाँ, फिर स्टारबक्स आए और देन एक्चुअली रजत के जीजू काफी लकी है हमारे लिए क्योंकि रजत जब फर्स्ट टाइम आए थे तो उन्होंने अपने जीजू की शर्ट पहन कर आया था फिर प्री वेडिंग फोटोशूट में भी उसका ब्लेजर पहन कर आया था, सो उनका काफी इन्वॉल्वमेंट है एंड दे आर गुड इन प्लानिंग एज वेल बिकॉज वो लोग न्यूली मैरिड हैं, सो वो कुछ कुछ आइडियाज देते रहते हैं रजत को, बट एग्जीक्यूशन तो मैं ही करता हूँ ना यार, ऐसा थोड़ी है पता नहीं वो रजत के कितने आइडियाज हैं उसमें से, आई डोंट नो, बट जो भी है अच्छे हैं। अच्छे, और कल मेरा बर्थडे है और रजत मेरे बर्थडे के लिए आए हुए हैं, सो दैट इज सो नाइस ऑफ हिम, थैंक यू। ओके।